उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और आम जनता बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है और अफसर जनता के जख्म पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। मामला कानपुर देहात जिले का है, जहां यमुना और सिंगूर नदी के उफान पर होने के बाद लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इस इलाके में बाढ़ से हालात कितने बिगड़ चुके हैं, लेकिन अखिलेश सरकार के अफसर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अधिकारियों का दावा है कि इलाके में बाढ़ से कोई प्रभावित नहीं है, लेकिन तस्वीरें उनके दावों की पोल खोल रही हैं। घोगनीपुर के पथार गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घर तक पहुंच गया है। मवेशी पानी में डूब गए हैं। बाइक से चलने वाले लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ से खाने पीने की चीजें भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अफसरों को इलाके में सब कुछ ठीक लग रहा है। कोई अधिकारी और कर्मचारी हमारे गांव में देखने तक नहीं आया है और यहाँ की स्थिति यह है कि घरों में पानी घुस गया, परंतु कोई इमदाद और कुछ भी नहीं मिला है। इधर हमारे यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, कोई सूचना नहीं कर रहा है, हम लोग सब डूब रहे हैं। कितने दिन से बाढ़ चल रही है? बाढ़ चल रही है 8 दिन से। इसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं है? कोई नहीं आया अधिकारी। आबादी में कहीं भी पानी नहीं घुसा हुआ है और दो गांव केवटरा और एक गांव और है, केवटरा में खास तौर पर वहाँ जो है आबादी के किनारे किनारे पानी है, टीले पर आबादी है इसलिए आबादी प्रभावित नहीं है। सभी गांव में कोटेदार जो है वो अपना खाने पीने की व्यवस्था किए हुए हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, कई जगह से शिकायतों की खबरें आ रही हैं कि लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जब अधिकारी ये खुद मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो इन लोगों तक मदद कैसे पहुंच पाएगी फिर? बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर एसी की हवा लेते हैं और मौके पर जाकर ना तो अधिकारियों ने जाने की जहमत उठाई, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपनी गाड़ियों को छोड़कर नावों से लगभग 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय किया और पूरा का पूरा जो इलाका हमें हमारे सामने नजर आया वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरीके से मवेशी जो है वो भी पानी में डूबे हुए हैं, घर का जो अनाज था इन ग्रामीणों का वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक तरह से अगर कहा जाए तो इन ग्रामीणों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन एसडीएम महोदय से जब इस बाबत हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक जरूरी मीटिंग का हवाला दिया, लेकिन जब एडीएम से इस संबंध में हमने बात की, जब एडीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए तब जाकर वो गांव का निरीक्षण करने के नाम पर निकले, लेकिन बड़ी बात यह रही कि पुल से ही निरीक्षण करके वहां से एसडीएम महोदय वापस रवाना हो गए। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, जिस तरह से लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों का रवैया इस पूरे मामले में क्या है वो आपके सामने नजर आ रहा है। चलिए शुक्रिया आपका योगेंद्र इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं यूपी में, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।